1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हालांकि इस बार इलेक्शन को देखते हुए यूनियन बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जाना है। बजट पेश होने से पहले सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 10% की छूट दी जाएगी। बता दें कि सरकार ने यह कदम भारत से एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए लिया है। 10% की रिवाइज्ड इंपोर्ट ड्यूटी रेट मोबाइल फोन असेंबली के लिए इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर लागू होंगे। साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मेन लेंस, बैक कवर और प्लास्टिक और मेटल से बनी मोबाइल पार्ट्स इसमें शामिल है। ये निर्णय इस महीने की शुरुआत में आई हालिया रिपोर्टों के अनुरूप लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार मोबाइल के उन पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार कर रही है जो हाई एंड मोबाइल फोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं इस कटौती का असर मोबाइल फोन इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। इस फैसले के बाद भारत की मोबाइल फोन इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में विकास मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस कटौती से आप जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं उसके दाम में भी कटौती हो सकती है। आपकी वित्त मंत्रालय के इस फैसले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें जागरण बिजनेस।